ऑल माय नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड संस्कृत की सप्तमः पाठः यानी कि सातवें पाठ जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन और आंसर करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानम पूरयत, यानी कि मंजूषा में से उचित अव्ययपद चुनकर रिक्तस्थान को भरिए। तो ये अव्ययपद है, तो प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, यानी कि सुबह सुबह भ्रमण करना स्वास्थ्यकारी होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, यानी कि तुम कब माँ के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहम् अपि तेन सह गच्छामि। डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, यानी कि अब विज्ञान का युग है। डैश रविवासरः अस्ति, अद्यः रविवासरः अस्ति, यानी कि आज रविवार है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत, यानी कि श्रीगाल का मित्र कौन था। तो श्रीगालस्य मित्रं वकः आसीत, यानी कि श्रीगाल का जो मित्र था वो बगुला था। स्थालितः कः भोजनं न अखादत, उत्तर है, स्थालितः बकः भोजनं न अखादत, बकः श्रीगालाय भोजने किम् अयच्छत, उत्तर है, बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम् अयच्छत। प्रश्न है, श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। चौथा प्रश्न है, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, यानी कि पाठ में पदों को चुनकर नीचे लिखे हुए विलोम शब्द को लिखिए। शत्रुः मित्रम्, सुखदम दुखदम, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, शत्रुता मित्रता, सत्सायं प्रातः, अप्रसन्नः प्रसन्नः, असमर्थः समर्थः। अगला प्रश्न है, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथायं पूरयत, यानी कि मंजूषा में से उचित पद को चुनकर इस कथा की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान है। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्, परं कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्, अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्, घटे स्वल्पं जलम् आसीत्, अतः सः जलं पातुम् असमर्थः अभवत्। सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्, सः पाषाणस्य खण्डानि घटे अक्षिपत्, एवं क्रमेण घटस्य जलम् उपरि आगच्छत्, काकः जलं पीत्वा सन्तुष्टः अभवत्। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दान् लिखत, यानि कि तत्सम शब्द लिखिए। सियार श्रीगालः, कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदरः बानरः, बगुला बकः, चोंच चंचूः, नाक नासिका। तो ये थे हमारे सातवें चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर। हमने बाकी चैप्टरों के भी क्वेश्चन और आंसर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। सभी पाठों के सभी लेसन्स के हिंदी अनुवाद भी भेज दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बाकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में एक बार ज़रूर विजिट करें। तो इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।